बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से, जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदके हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। कुश्ता साज़ हकीम बाबा सैफुल्ला की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी तो दोस्तों, आज का जो मेरा फार्मूला है, क्योंकि अक्सर मैं आपको नुस्खा जात जो है, एक मखसूस ट्रिप जो है, यानी कि कुव्वत खास के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, वो अक्सर देता रहता हूँ, तो आज का मेरा फार्मूला इसी के रिलेटेड है। वो हज़रात जिनकी उम्र तकरीबन 35-40 साल या 45 साल तक हो जाती है, बच्चे भी उनके 4-5 हो जाते हैं, तो उनको ख़ास किस्म की मर्दाना टाइमिंग में और इंतशार में कमी महसूस होती है। कई कई दिन या कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, उनको कोई शौक ही नहीं होता हम बिस्तरी का, तो ये वीकनेस होती है, ये बीमारी नहीं है। तो वीकनेस को कवर करने के लिए अपनी खुराक को अच्छे करें, दूध और बकरे का गोश्त, इसका इस्तेमाल जो है वो कुछ ज़्यादा करें, फलों का सब्जियों का इस्तेमाल जो है इनका कम्बिनेशन बना कर इस्तेमाल किया करें। और इसके लिए मैं आपको आज बेहतरीन एक फार्मूला भी दे रहा हूँ, अगर इसे रोज़मर्रा खुराक की तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका मादा भी बनता रहेगा, गाढ़ा भी होगा और टाइमिंग आपकी ये बन होगी। मज़ीद अगर को आपका इशू है तो मेरे से इलाज लेना चाहते हैं, तो बेटा यही मेरे दो नंबर है, मुझे फ़ोन कॉल करें, इलाज मैं आपको भेज दूँगा, TCS वाला 2 दिन में आपको डिलीवर करेगा। तो आज का खुराकी नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें। तो इसमें आपने लेना है रस प्याज, यानी 1 अदद प्याज लेकर उसको कूट कर उसका पानी निकाल लें, कप पे डाल लें, और 1 चम्मच जो शहद है, छोटा शहद 1 चम्मच उसकी, वो भी डाल लें। 2 चीज़ें हो गई। कलवंजी, कलवंजी का सफूफ जो है ये आपने 1 चम्मच ये भी डाल लेना है, और उसके बाद अदरक का पानी, अदरक को कूटें, 1 चम्मच उसका पानी डालें। ये 4 चीज़ों का बेहतरीन संगम है। इसे जो है पेस्ट बना लें चम्मच से, और दोपहर का खाना खाने के बाद इसे तनावल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करने से तबीयत में, जिस्म में एक बिजली का सा करंट आना शुरू हो जाएगा। इसे अपने हमेशा इस्तेमाल में रखें और अपनी कुव्वत को, जिस्मानी को और नफसियाती कुव्वत को हमेशा आप कायम रखें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।